हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर मिसेस पुरोहित। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी मैं जस्ट एक मेकअप मतलब वीडियो बनाई, ये वाला मेकअप वीडियो, वो आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे आँख से पानी आ रहा है, मतलब काजल थोड़ा अंदर चला गया ना तो पानी आ रहा है, तो उसके वजह से भी, और थोड़ा सा बाहर प्याज काट रहे थे ना इसी के लिए भी, तो वो छोड़िए। तो अभी फर्स्ट मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, मुझे मेरे एनिवर्सरी का एक गिफ्ट मिला है जो कि बहुत सुंदर है। जस्ट कुछ टाइम पहले मैं बेड में डाल के उसको दिखाई। जी हाँ, एक बेडशीट है, चलिए उसको देख के आते हैं। पहले आप लोगों को कैसा लगा, मतलब बेडशीट कैसा लगेगा ये बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं जिसने वो दिया है उसको दिल से थैंक यू, क्योंकि उसका जो मतलब है, जो सब चीजें हैं उसमें, उसको देख के मुझे पुरानी बातें बहुत याद आई। इसीलिए थैंक यू सो मच भावजा, क्योंकि उन भावजा ने ये वाला गिफ्ट दिया है। तो चलिए देख के आते हैं, और आप लोग भी बताइएगा कमेंट में। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बेडशीट देखा, आप लोगों को कैसा लगा, जरूर अच्छा लगा होगा, तो कमेंट में बताइए कैसा लगा। फर्स्ट सेकंड चीज जो है वो है ये जो मेकअप मैं क्रिएट की हूँ। चलिए ये मेकअप देखते हैं मैं क्या क्या यूज की, और सारा सामान मैं अमेजोन से मंगाई थी, इसलिए क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना आप कहाँ से मंगाते हो, वो उसका लिंक देना या फिर कौन से शॉप से, तो सब कोई नहीं ले सकते, क्योंकि जो लोग तो है सुंदरगढ़ के ले सकते हैं, बाहर के तो नहीं ले सकते। तो आप लोग कैसे मंगवा सकते हो और उसे यूज कर सकते हो, चलिए देखते हैं। वो सब सामान ना ऑनलाइन मिल जाएगा आपको अमेजोन में, तो चलिए वो मेकअप देख लीजिए, आके फिर मैं बात करती हूँ आपसे। तो ये मैं नहा धो के आ गई थी, और फर्स्ट अपना चोटी बना ले रही थी, चोटी फर्स्ट बना दो देन मेकअप, तो मैं ऐसे ही करती हूँ ज़्यादातर, या फिर पहले मेकअप देन चोटी। तो आज मैं चोटी बना ली पहले, देखिए मेरा चोटी बन के रेडी है। ठीक है, तो चलिए अभी मेकअप स्टार्ट करते हैं। चोटी बना दी तो थोड़ा सा रिलैक्स लगता है ना। यहाँ पे मैं मामाअर्थ का उपटन वाला फेस वॉश ले रही हूँ। मुझे लगा मैं थोड़ा लगा लेती हूँ, मेरा फेस थोड़ा ऑयली ऑयली लगा, और गर्मियों के दिनों में वैसे भी लगता है। और देखिए मैं उसको अच्छे से फेस में लगा ली, और ये धो के आ गई हूँ, अभी अच्छे से ड्राई कर लेते हैं। तो मेरा फेस हो चुका है ड्राई। तो सबसे पहले जो क्रीम मैं लगाती हूँ एवरी डे वो है ये देखिए, लोटस का रिजुवेना। तो ये मुझे मेरी मौसी जी बताए थे कि इसको लगाना फेस में, तो मैं उसको अच्छे से थोड़ा सा टैप टैप करके लगा ली। देखिए फेस में पूरा एब्जॉर्ब हो गया, और ये है वो वाला रिजुवेना क्रीम, ये बड़ा वाला है, इसका छोटा भी आता है। उसके बाद ये मैं लगा रही हूँ काया का सनस्क्रीन लोशन। देखिए वो लैक्टोकलामाइन निकल गया था, तो सनस्क्रीन लोशन आप लगाना ऐसे, ठीक है। तो ये सनस्क्रीन लोशन का भी मैं लिंक दे दूंगी। और उसके बाद लगाते हैं 9 to 5 का सीसी क्रीम, देखिए फेस में अच्छे से, इसको लगाने से क्लीन लगता है फेस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फाउंडेशन जैसे रहता है तो अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं रहता, नॉर्मल रहता है स्किन में। उसके बाद फिटमी का ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा सा लगा लेते हैं। तो मैं इसी को ही डायरेक्ट लगा ली, और बाकी कुछ पाउडर नहीं लगाए। तो ये मेरा बेस हो चुका है रेडी। तो अभी जो करना है मुझे वो है लाइनर, जो कि मेरे मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लाइनर और लिपस्टिक, ये दोनों मैं हमेशा बोलती हूँ अच्छे से लगाना। तो ये देखिए ये लाइनर का एक लाइन दे दी, उसके बाद अंदर को फील कर दी मैं, तो लाइनर जल्दी कंप्लीट हो जाता है, और साइड से थोड़ा सा निकाल लेंगे, ऐसे विंग बना लेंगे, अच्छा दिखता है, ठीक है। तो उधर लगा ली, फिर इधर लगा लेते हैं। पहले ऐसे कर लो, उसके बाद अंदर फील कर लो। तो ये हो गया लाइनर मेरा कंप्लीट, ठीक।
ठीक है, और ज़्यादा नहीं बस। और उसके बाद लगाएंगे काजल, और काजल भी ममाज अर्थ का ही है, तो ममाज अर्थ का काजल ना फैलता नहीं है, ये बहुत अच्छा रहता है। इसको थोड़ा लगा लेते हैं। आज देखिए मेरा बाल घुस गया था ना, तो आँख से थोड़ा सा पानी निकल रहा था और बहुत देर तक निकलता रहेगा। तो देखिए मेरा हो चुका है लाइनर काजल कंप्लीट। अभी मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। तो जैसे मैं लगाती हूँ हमेशा लिक्विड लिपस्टिक गया, यहाँ पे लग गया, ये लिक्विड लिपस्टिक लगा लेती हूँ लिप्स में तो एक क्लियर, तो वो पूरा चिपक जाता है। और लिक्विड लिपस्टिक बहुत टाइम तक रहता है इसीलिए, और आप छूट भी जाता है जल्दी अगर उसको अच्छे से आप नहीं मतलब मेंटेन करके नहीं रखोगे। तो ये देखिए उसके बाद मैं लगा ली नॉर्मल लिपस्टिक उसके ऊपर, और उसके ऊपर अभी लाइनर लगा रही हूँ। ऐसे करने से ये सेट हो जाता है। देखिए साइड साइड में जो उसका बॉर्डर है वो जैसे दिखता है ना सेम नहीं दिखता है लाइन, तो उसके बाद लाइनर लगाने से वो सेम दिखता है, अच्छा दिखता है, पता नहीं चलता है का साइड वाला सब। देखिए ये बन गया मेरा लाइनर, और लाइनर को भी मैं थोड़ा सा अंदर लगा लेती हूँ ताकि वो शेड की तरह हो जाए और लिपस्टिक अच्छा दिखे। तो मेरा लिपस्टिक भी हो चुका है कंप्लीट, और लिपस्टिक लग चुका है मेरे गालों में, चिक में, चिन में। उसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, है ना। उसके बाद लगा लेती हूँ लास्ट मेरा बिंदी। तो ये बस थोड़ा बहुत एवरीडे टाइप का मेरा मेकअप है, है ना इतना। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मेरा ये मेकअप आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। चलिए फटाफट पहन लेते हैं मंगलसूत्र, और यहाँ पे मैं अपना इयररिंग पहनूंगी अभी। देखिए ये एक टॉप है, बहुत दिनों से मैं ये लाई थी बलांगीर से, तो ये वाला जो है ना वो स्क्रू टाइप का था, है ना। ये देखिए इयररिंग कितना सुंदर दिख रहा है, और स्क्रू टाइप का था और स्क्रू टूट के अंदर रह गया, तो इसको पहनूं कैसे, तो ये गया ना, बर्बाद हो गया। फर्स्ट से ही ऐसा हुआ था, तो मैं इसको क्या की उसके पीछे ये पैंच लगा ली, जो प्लास्टिक वाला आता है उसको थोड़ा सा उसके होल को उसके अंदर पुश करके थोड़ा सा बड़ा करके उसको मैं लगा ली, और इसको मैं पहन लेती हूँ और आराम से रह जाता है, बिल्कुल नहीं खुलता है, बहुत अच्छे से रहता है, और पता भी नहीं चलता, दुखता भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, ये एक ट्रिक है। अगर आपका स्क्रू वाला जो है ये ख़राब हो जाता है या फिर टूट जाता है, तो आप नॉर्मली ऐसे प्लास्टिक वाला पैच लेके पीछे डाल के आराम से लगा सकते हो। और ये मेरे कुछ बेबी हेयर्स हैं जो कि बाल तो वैसे भी झड़ रहे हैं बोल के मैं कट कर दी थी, और कुछ बेबी हेयर्स जस्ट निकल जा रहे हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ पिक्स मैं दे दी हूँ मेरा। तो ये मेकअप मेरा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बात करती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा मेकअप कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो उसको भी कमेंट में बताइए। और अभी चलते हैं एक जगह पे, कुछ दिन पहले मैं गई थी, वो वीडियो मैं अभी डाल रही हूँ, उसमें मैं जो दिखाई हूँ वो अभी चारों तरफ चल रहा है, जी हाँ, जो कि है नाम कीर्तन। वहाँ पे हुआ था अष्टप्रहरी हुआ था, तो इजी बुलाई थी वहाँ प्रसाद सेवन के लिए लास्ट डे। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे, प्रसाद सेवन हम लोगों ने कैसे किया, क्या क्या हो रहा था और किस किस से मिली, वो सब चीज़ दिखाऊंगी। चलिए मेरे साथ वहाँ पे घूम के आते हैं फिर। चलिए तो फ्रेंड्स ये मैं घर से निकल चुकी हूँ, और मेरे साथ जा रहा है रीत। देखिए हम लोग जाके यहाँ पे रुके हैं, ये फालूदा का शॉप है और वो फालूदा खा रहा था यहाँ पे। तो देखिए छोटू गया है वहाँ पे पेमेंट देने के लिए, और ये देखिए उसका फालूदा खाने का स्टाइल। तो वो मेरे साथ गया था वहाँ पे क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह जाने के लिए, वहाँ पे खाना खाने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हो चुका था जो कीर्तन, वो मतलब कंप्लीट हो चुका था, और ये प्रसाद खाने का टाइम था। तो बहुत भीड़ हुए थे वहाँ पे प्रसाद खाने के टाइम पे, क्योंकि बहुत लोगों को प्रसाद अच्छा लगता है। और ये इजी आ गई है, और ये देखिए ये हंसदा मैडम भी आ गए हैं, तो चलिए उनके साथ उनकी बेटी भी और बेटा भी आए हैं, तो चलिए चलते हैं। रीत ने एक बुके पकड़ा हुआ है, वो बुके क्यों पकड़ा है मैं अंदर चल के बताऊंगी आपको, क्योंकि आज है आंटी का बर्थडे। जी हाँ, इजी की जो सासू माँ है आंटी चैताली आंटी, उनका बर्थडे, तो हमने उनको बर्थडे विश किया। और आंटी देखिए यहाँ पे बैठे हैं, वो भी यहाँ पे कीर्तन में बिजी है सब कोई, वो भी यहाँ के मेम्बर हैं, इसीलिए इजी हमें यहाँ पर बुलाती है, हर साल बुलाती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आके पहुँच गए हैं, और बाकी कुछ फ्रेंड्स भी आएंगे, तो यहाँ पे बहुत लंबा लाइन है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे, अंदर थोड़ा सा दर्शन करेंगे और फिर प्रसाद खाएंगे लास्ट में, हम लोग वेट करेंगे थोड़ा। तो देखिए हम बैठ के थोड़ा बातें बातें कर रहे थे, बहुत लोगों से मिले, बहुत लोग आए थे यहाँ पे, है ना। तो चलिए दिखाती हूँ आगे चल के आपको भी मैं,
और कौन कौन आए थे। यहाँ पे ईशु आ गई थी बात करने के लिए, अपने मम्मी को बोल रही थी, उसको भूख लग रहा था। तो देखिए लाइन यहाँ पे थोड़ा सा कम होने लगा है और सब कोई अभी खा खा के मतलब जा रहे थे, और यहाँ पे बाकी सब मेंबर्स बैठे थे। यहाँ पे देखिए हमारी प्यारी सी दोनों गुड़िया, ये लोग याद है आपको, यहाँ पे जो भी कॉम्पिटिशन होता है ना ये लोग रहते हैं यहाँ पे, ये लोग फैशन शो में पार्टिसिपेट करते हैं या मॉडलिंग में। ये दोनों हैं, दोनों बच्ची गुड़िया बहुत ही क्यूट एंड सुंदर, उन लोगों से मिले बहुत अच्छा लगा। और देखिए यहाँ पे आंटी बैठ के अपने फ्रेंड लोगों के साथ बातें बातें कर रही थी, मैं थोड़ा सा दूर से कैप्चर कर रही थी ये सब चीज़ को, आंटी लोग बातें कर रहे थे ना इसीलिए। तो देखिए यहाँ पे बच्चे लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे अंदर, और ईशु लाई है अभी प्रसाद, दाल चावल और खट्टा, सब्जी नहीं लाई है और खीर भी नहीं लाई है, तो बस उसको खा रही थी वो आराम से बैठ के। तो बच्चे लोग जब खाना खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, छोटे छोटे बच्चे। और ये स्मिता लोग, जैसी भाभी लोग सब कोई आ चुके हैं यहाँ पे, तो उनका थोड़ा बहुत मैं शूट कर रही थी यहाँ पे देखिए। और ईशु अपने दादी का ये ले रही है क्या, बुके सब लेके जा रही थी। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी अंदर चलेंगे, अंदर तो पूजा कंप्लीट हो चुका था अष्टप्रहरी का, तो चलते हैं फिर भी भगवान। फिर बाहर आके प्रसाद खाए सब लोग, ये मोना लोग खा रहे थे यहाँ पे प्रसाद, तो मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी। तो चलिए हमारा प्रसाद सेवन तो हो चुका है, अभी घर चलती है। बहुत अच्छा लगा प्रसाद खा के, ऐसे ही कभी कभी कहीं पे मिल जाता है तो प्रसाद दिल खुश हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने घूम फिर के तो आ गए आप लोग, ठीक है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तो नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो एक क्यूट सा ब्लॉग है, उसको मिस मत कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।